प्रतिभा संपन्न कवयित्री श्रीमती पद्मावती पदम के काव्य संग्रह जीवन अपना एक समंदर का लोकार्पण बाग फरजाना स्थित संस्कृति भवन में आगरा के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा किया गया। आज यहाँ पर श्रीमती पद्मावती जी ने एक बहुत सुंदर काव्य का विमोचन किया है, जीवन अपना एक समंदर। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक गहरा शब्द है। जीवन वास्तव में एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसको समझना, इसमें रहना और इसमें तैरना ये बहुत असंभव सा भी लगता है, और जो समझ जाता है तो उसके लिए बहुत संभव भी है, बहुत आसान भी है। तो इन्होंने, मैंने अभी ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, पर इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि इनकी बातचीत से मुझे लगता है कि ये अच्छे शब्दों का चयन करके इन्होंने निश्चित रूप से एक अच्छा ही संदेश देने की कोशिश की होगी। तो मैं इनके आज इस पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इसी प्रकार अच्छी अच्छी चीज़ें जनता के बीच में पेश करती रहें और इनकी सराहना होती रहे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर लवकुश मिश्रा हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, डीन एलुमनाई का भी दायित्व है। आज जीवन अपना एक समंदर ये श्रीमती पद्मावती जी की रचना है, उसका विमोचन आदरणीय श्रीमती मधु बघेल जी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में जीवन के विभिन्न आयामों पे, उसके साथ साथ सामाजिक पे, समाज में जो चल रहा है, जैसे मैं इस किताब में देख रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, और भी तमाम सामाजिक मुद्दों को भी बड़े संजीदगी के साथ पाठकों के लिए रुचिकर तरीके से रखा गया है उनके सामने, और एक अच्छी रचना है, समसामयिक भी है और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी है, पूरी तरीके से प्रासंगिक है, भाषा बहुत ही सरल है, सुपाठ्य है। अब मेरा नाम पद्मावती है और ये मेरी पहली पुस्तक है, जीवन अपना एक समंदर। क्या विषय रहा है इसमें, क्या विषय? इसमें मैंने हर विषय पर अपनी रचना लिखी है, मन के भावों को पिरोया है, और जब जैसा मुझे महसूस हुआ है कि पिताजी के पर लिखना चाहिए तो पिताजी पर, समाज में जैसी परिस्थिति देखी मैंने, उस हर विषय पर मैंने उसमें। पद्मावती पदम के द्वारा रचित ये पुस्तक जिसका शीर्षक है जीवन अपना एक समंदर, नाम से ही आपको बड़ी गहराई सी इसके शीर्षक में सुनाई दे रही होगी, तो सचमुच कविताओं का समंदर है। हालांकि पद्मावती जी कविता के क्षेत्र में बहुत पुरानी नहीं है, बहुत सिद्ध हस्त नहीं है, लेकिन उनके प्रयास बहुत समय से जारी हैं, और उनका ये प्रयास ही पहला प्रयास है कविता संग्रह के रूप में। आशा है ये लोगों को पसंद आएगा। समंदर में जितनी गहराई होती है उसी तरह से भावों की गहराई को उन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोने का प्रयास किया है। जीवन अपना एक समंदर का जो लोकार्पण समारोह हो रहा है उसकी मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। वैसे मैं आपके नगर का ही एक साहित्यकार हूँ और 70-80 वर्ष से साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, साहित्य के अंदर मैंने बहुत काम भी किया है और आपका स्नेह भी मुझे बरकरार मिलता रहा है। आज के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जो पद्मावती पदम हैं वो हमारी नवोदित कवित्री हैं, उदीयमान प्रतिभा है, और उसने ये किताब जो लिखी है इसके अंदर उसने जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी हम संदर्भ में सोचते हैं उस पर उसने अपनी लेखनी से प्रकाश डाला है।